मित्रों, चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं पुराने की अपेक्षा, क्योंकि पुराना जो ब्लॉग था हमारा अयोध्या का, उसमें कुछ खास नहीं था, बहुत पुरानी चीजें थी काफी, और अब बहुत कुछ नया हुआ है यहाँ पे, बहुत ज्यादा बदलाव आया है। तो अब आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि क्या क्या बदलाव यहाँ पे आए हैं। जैसा कि आप देख लेंगे, पीछे देखिए, आप पीछे आपको बदलाव दिख जाएगा, ये दिख रहा है। और बहुत ज्यादा डेकोरेशन हुआ है यहाँ पर, और काफी कुछ बदल गया है यहाँ पे, अब वैसा लग नहीं रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है, काफ़ी इम्प्रूव हुआ है यहाँ पे। और पहले क्या था कि हम लोगों को स्नान करने के लिए उस पार जाना पड़ता था, मतलब नदी में जाना पड़ता था। अब क्या हुआ है कि पानी को यहाँ के साफ कर दिया गया है, और उस नदी को डायरेक्ट कनेक्ट कनेक्ट किया गया है यहाँ पे रामपैणी से, जहाँ जैसा जिससे कि आप यहाँ पे आराम से स्नान यहाँ भी कर सकते हैं, और अगर आपको जाना है तो उधर भी जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ज़्यादा पानी खतरा वहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर एक लिमिटेड पानी है, जहाँ पर आप आराम से बिना किसी चिंता के यहाँ पर आप आराम से नहा सकते हैं, यहाँ पर डूबने का कोई चांस नहीं है। और उधर क्या है, उधर खतरा हल्का सा बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा खतरा उधर है। तो ये चीज़ें नहीं हुई हैं, जिससे कि आपको थोड़ा, आपके लिए थोड़ा ज़्यादा सेफ हो गया है अब। और आगे भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर है जो आपको आगे दिखेगा, अभी सिनेमैटिक व्यू में एक, चलिए। नमस्कार, जय श्री राम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री ऑफ बीसीबी में। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं राम की पैड़ी अयोध्या, नई अयोध्या। आज आपको हम दिखाएंगे नई अयोध्या किस प्रकार से। तो शाम का समय है और यहां पर भगवान श्री राम के काफी अच्छे अच्छे गीत संगीत बज रहे हैं, जिससे मन बहुत ही प्रसन्न हो रहा है। और काफी अच्छा, यहाँ जितनी भी तारीफ की जाए यहाँ की कम है, हम लोग अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर राम पैड़ी इसमें कितनी खूबसूरत लग रही है। यह आप लोग देख सकते हैं, हरी घास है पूरे पार्क में, और पूरा पत्थर, पहले यहाँ पर पत्थर नहीं लगा था, लेकिन अब इस समय पत्थर भी लगा है। और लाइटें देख सकते हैं आप, लाइट का सिस्टम इतना अच्छा है कि अभी जैसे ही शाम होगी, रात होते ही यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है, एक अच्छा नज़ारा होगा इस राम की पैड़ी अयोध्या का, जो कि काफ़ी सुंदर दिखेगा और भी। तो लाइट की व्यवस्था की गई है, काफ़ी मात्रा में पर्यटक भी आते हैं। इस समय कोरोना महामारी के कारण कुछ कम भीड़ है यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करते हुए इस ब्लॉग को बना रहे हैं। और वैसे भी आप लोगों को भी इस महामारी से बचने के लिए काफ़ी जो कुछ करना पड़े, उस जो गाइडलाइन दी गई है उसका आप पालन करिए और टहलिए घूमिए। तो आज जुड़े रहिए अभी हमारे साथ, अभी हम लोग और सैर करवाने वाले हैं आपको पूरी अयोध्या का। हमारे साथ कीर्तिवर्धन भी हैं, उनको भी सुनते रहिए। जय हिंद। आप पीछे देख लीजिए, अभी पहले यहाँ पे कुछ खास नहीं था, सब कुछ कुछ नहीं बना था, कुछ खाली था यहाँ पे। और अब जो है, यहाँ काफी चीजें बन चुकी है, यहाँ पे काफी ग्रास लगा दी गई है, और काफी जो रास्ते भी आगे बना दिए गए अच्छे से। तो अब बहुत ही बेहतर लग रहा है यहाँ पे बैठने वाले, कई जगह बनाई हुई है बैठने वाली, तो अब बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पहले पूरा खाली था और उसकी अपेक्षा बहुत अच्छा लग रहा है।
तो ये देखिए यहाँ से कुछ ऐसा व्यू यहाँ पे दिख रहा है, लोग यहाँ बैठे हुए आराम से आनंद ले रहे हैं। और ये जो ग्रास है यहाँ से काफ़ी बेहतर दिख रहा है, एक नया रास्ता बनाया गया है। और इधर जो है वो टॉयलेट है और उधर नदी है, ये देखिए ये टहलने वाला बहुत ही बेहतर स्थान बन चुका है अब, और लोग काफी एंजॉय भी कर रहे हैं यहाँ पे अब पहले की अपेक्षा। ये कुछ ऐसा बना हुआ है एक टापू की तरह, एक बीच की तरह, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊंचाई पर हम लोग खड़े हुए हैं अयोध्या की, जो सबसे ऊंचा यहाँ पर ऊंचाई पर स्थित है कहने का मतलब है। कीर्तिवर्धन भी हमारे साथ हैं, इनको भी आप लोग सुनते रहिए। तो कैसी है अयोध्या आप बताइए सभी लोगों को। अयोध्या काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है और यहाँ पर काफी कुछ हुआ है और कार्य काफी ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। और अब अयोध्या अगले स्तर नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी है, जहाँ पर अब बहुत कुछ इम्प्रूव देखने को मिल रहा है यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो आप अयोध्या है एक प्रकार से विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए सरकार ने बेजोड़ कदम उठाए हैं, और जितनी तारीफ की जाए जितना भी तारीफ की जाए कम है सरकार की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। शाम हो चुकी है, नजारा ही कुछ और है यहाँ का इस समय का, पीछे रंग बिरंगी लाइटें जलनी शुरू हो चुकी है। देखिए आप लोग दिख रहा होगा आप लोगों को, ये रंग बिरंगी लाइटें भी अब जल रही है धीरे धीरे, ये देख लीजिए आप लोग। लोग टहल रहे हैं अपने घरों से, आज बाहर आए हैं शाम को, कोरोना महामारी के कारण भीड़ काफी कम है। और हम लोग आप लोगों को जितना भी दिखा पा रहे हैं वो हम लोग दिखा रहे हैं। भगवान श्री राम के बहुत ही प्यारे प्यारे भजन भी इसी के साथ बज रहे हैं आप। और एक चीज बता रहे हैं आपको, जो ऑडियो क्वालिटी आपको उतनी बेटर नहीं मिल पाएगी अभी, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और वो जल्द ही आपके लिए सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, इसलिए आप इसको फेस करते रहिए और लाइक करते रहिए। अब लाइक दबाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो माइक नहीं होने के कारण ये समस्या है थोड़ा, लेकिन हमारे हिसाब से हम इतना तेज बोलते हैं अपने जितना मतलब कम है जितनी दूरी माइक है, इसलिए हम काफी तेज हमको बोलना पड़ता है जिससे आवाज आप लोगों को एकदम स्पष्ट सुनाई दे। और जुड़े रहिए आप लोग हम लोगों के साथ में, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप लोग भी आइए, जरूर आइए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और एक चीज, जब तक कोरोना नहीं जाता है इस कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार ने जो गाइडलाइन दिए हैं उसका भी पालन करिए, क्योंकि टहलना घूमना है तो आप, हम लोग सैनिटाइजर लाए हैं, सैनिटाइजर आप दिखाइए हमारे पास है, ये सैनिटाइजर है क्योंकि हम लोग सैनिटाइजर लेकर चलते हैं साथ में, और मास्क भी हम लोग ने ले रखा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग काफी भीड़ उड़ नहीं है तो इसलिए हम लोग भीड़ ना होने के कारण मास्क इसमें नहीं लगाए हैं। और आप लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, जो सरकार ने नियम बताया उसका पालन करिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब आपको हम दिखाएंगे नदी यहाँ से कैसे दिख रही है, अब कैसे दिख रही है नदी, पहले तो बात अलग थी जी, लेकिन अब कैसे दिख रही है सरयू नदी, सरयू नदी की हम बात कर रहे हैं, सरयू नदी अभी सामने है तो माँ सरयू का भी दर्शन करवाएंगे और आप लोग देखेंगे इतना खूबसूरत नजारा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि अब कुछ नजारा ही बदल चुका है। और ये देखिए अब नदी कुछ ऐसी है, और यहाँ इस पार हम लोग नदी में पहुंच चुके हैं। अब देखिए यहाँ से जब हम ये इधर, ये से पूरा एरिया है टहलने वाला, और उसके इधर जो है ये नदी है इधर, तो ये इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं और अब काफ़ी बेहतर हो गया है अयोध्या। और ये एक रोक लगा दी गई यहाँ पे है जिससे कि आदमी उधर जा पाता है स्नान करने के लिए, आपको पहले से यहाँ पे व्यवस्थाएं दी गई हैं, तो इससे हम काफ़ी सेफ रहेंगे। और उधर सरयू माँ की आरती भी की जा रही है, तो चलिए आपको आरती में ले चलते हैं। ये देखिए आरती हो रही है, थोड़ा नजदीक चलते हैं। अब आरती को एंजॉय कर सकते हैं यहाँ से बिल्कुल क्लोजली जो है। Thank you.
जस नदी के बगल में हम लोग खड़े हुए हैं। आरती हो रही है बगल में और इंटरेस्ट कुछ ज्यादा हाई है यहाँ का, इसलिए आपको साइंस देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। और ये देखिए ये सीन को ज्यादा ही बहुत ही मस्त है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इसको देखने में मुझे। मैं खुद बता रहा हूँ आपको, यहाँ कुछ ज्यादा ही मजा ये सीन देखने में आ रहा है मुझे। तो ये अद्भुत है वाकई में, एक अद्वितीय दृश्य यहाँ पे लगातार पानी बहता हुआ दिख रहा है, ये बहुत ही ज्यादा मन को शांत कर रहा है और ये काफी प्लेजर पीसफुल रहता है। देख सकते हैं आरती अब हो चुकी है और जयकारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, प्रसाद वितरण की प्रक्रिया जो चालू हो चुकी है यहाँ पे। और डिस्टेंसिंग यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं बोल सकते हैं हम, लेकिन अलाउंस हो रहा है जैसा कि थोड़ा हम लोगों ने कुछ नहीं है। लेकिन अब ये जो रात का यहाँ का दृश्य है आप पीछे देख सकते हैं, जो लाइट्स हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, कई कलर्स में जल रही है वो लाइटें और उससे जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में ये। तो बने रहिए हमारे साथ, अगर कुछ छूटा है तो आपको दिखाया जाएगा, वरना यहीं तक ये ब्लॉग रहा। और आप अगले ब्लॉग के लिए वेट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हम लोग ऐसा जो ब्लॉग लाते रहते हैं तो आपको लगातार मिलता रहे। और तो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ और लगातार सारे हमारे वीडियोज़ देखते रहिए और ब्लॉग्स देखते रहिए और कमेंट जरूर करिए, जिससे पता चले कि हम कितना इम्प्रूव कर पा रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत शुक्रिया और मिलेंगे एक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।